हेलो फ्रेंड्स, निक्स फ्लेवर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंगलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए प्रोटीन से भरपूर इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। मूंगलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कप बिना छिलके वाली मूंग की दाल लेंगे। इसे हम पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। पानी दाल के सरफेस के लेवल के बराबर होना चाहिए। हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसका पानी हमें बाद में निकालना पड़ेगा और मूंग के सारे पोषक तत्व तो पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। इसे हम ढक देंगे और एक घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, एक घंटे के बाद मूंग की दाल ने अच्छी तरह से पानी सोख कर लिया है। हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें सोख किए हुए मूँग की दाल को डाल लेंगे। इसमें 4 टेबल स्पून पानी डालकर इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। पेस्ट को हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। फिर उसमें 4 टेबल स्पून पानी, 1/4 टेबल स्पून हींग, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे विस्क की हेल्प से 5 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस बैटर को हम आधे घंटे तक के लिए ऐसे ही रख देंगे। ऑमलेट बनाने के लिए हम 1.5 कप बैटर को एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा प्याज, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/8 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक और 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा की जगह हम 1/2 टेबल स्पून इनो फ्रूट सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। हम एक छोटे साइज का पैन मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। इसके बाद इसमें हम वो बैटर डालेंगे जो हमने बॉल में तैयार किया था। इसे 4-5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जब इसका ऊपरी सरफेस थोड़ा सॉलिड दिखने लगे तब इसके ऊपर अदरक और चुकंदर की लंबाई में कटे हुए जुलेंस डालेंगे। फिर बारीक कटी हुई थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और मूंगलेट को बहुत ही सावधानी से पलटकर 4 से 5 मिनट तक इसकी दूसरी साइड को भी पका लेंगे। इसकी साइड्स की चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा बटर चम्मच से लगाते रहेंगे। इससे मूंगलेट की साइड्स भी क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखिए, अब इसकी दूसरी साइड्स भी गोल्डन हो गई है। इस पर स्पैचुला या नाइफ से हम क्रॉस का कट लगाएंगे। इसके बीच में 1 चम्मच बटर डालकर इसे पलटकर क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए, अब मूंगलेट अच्छी तरह से पक चुका है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही स्पॉन्जी है। प्रोटीन से भरपूर हेल्दी तो है ही। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। वैसे ये धनिया और पुदीने की हरी चटनी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी इस हेल्दी मूंगलेट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।